तो बैची को हाय, बोली को आशीर्वाद, बुढ़ा जी को प्रणाम और बुढ़ी जी को प्रणाम। तो क्या हाल चाल सबके, फिर आ गए एक न्यू ब्लॉग के साथ। और जो आज का ब्लॉग है वो है वृंदावन का, बांके बिहारी जी का, हमारे ठाकुर जी का। और हम अपनी नई गाड़ी हम जब कर ली है, हम आज ही जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। और बस अभी घर वाले आने वाले हैं। पापा के एक फ्रेंड है वो, और उनकी वाइफ जा रहे हैं, मम्मी जा रही है, मैं जा रहे हैं, वैसे मेरी मम्मी की फ्रेंड भी है वो। तो बस अभी मैं जस्ट अभी गाड़ी में बैठा हूँ, ये है गाड़ी, आप गाड़ी के अंदर बैठा कह रहा हूँ, गाड़ी है, सॉरी मीम बनेगा इसकी। बस अभी ये निकलने वाले हैं, मैंने गाड़ी साफ अप कर दी है जस्ट, और देखते हैं कितने तक पहुँचते हैं। बाकी रात शाम को अभी देखेंगे, अभी हम जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे से अपना ग्रेटर नोएडा होते हुए पूरा, क्योंकि हमें वो ईजी शॉर्ट पड़ता है, तो बगल में पड़ता है, पास पड़ता है। मम्मी आ गई है, चलो फिर लेट्स गो, इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आप रास्ते में। अभी पहुंच गए हैं अपना ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे में, और रोड खाली है, समय कुछ है नहीं, गाड़ियाँ सब बैठे हुए आराम से, रिलैक्स वे वाला सब, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। पहाड़ से क्योंकि मेरे खून में पहाड़ी है, रास्ता देखो स्वर्ग यहाँ पे। तो इस तरह चढ़ गए हम यमुना एक्सप्रेस में, और ठीक है ऑलमोस्ट सही टाइम पे निकल रखे हैं हम, रोड खाली हो रखी है पूरी। थैंक यू यमुना एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। पहुंचे यार सीएनजी पंप, और बहुत ज्यादा भीड़ है। हम कम से कम, हमें यहाँ पे हो गया है आधा घंटे करीब, बहुत लंबी लाइन है। ज्यादा एक्चुअली क्या, ज्यादा पंप है नहीं, चार है गिनती के, और बहुत लंबी लाइन है। दिल्ली जितने वाले आने वाले लोग हैं सब यहीं भरवा रहे हैं, यूपी के लोग यहीं भरवा रहे हैं, टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। अगर देखो एक बार आप, लम तो बहुत स्टार्टिंग में थे पीछे, उस स्टार्टिंग में थे पीछे, और धीरे धीरे करते करते आ गए बस, थोड़ा टाइम, मतलब आधा घंटा और मान लो, एक घंटा लग गया, एक घंटा लग जाएगा हमें यहाँ पे करते करते। बाकी ओवरऑल गाड़ी एक्सपीरियंस एक नंबर, अच्छी माइलेज दे रही 25 की सीएनजी में, पेट्रोल तो 20 दे रही थी, 20-21 पैसे दे दिए, ठीक है। बाकी इसका मैं लुक आपको करवाऊंगा, आराम से करवाऊंगा तसल्ली से। क्या पता है गाड़ी पीछे से करते करते रात रहते ना थक गए, बताया यहाँ पे कम से एक घंटे के ऊपर हो गया, और इतनी लंबी लाइन लगी है पीछे रोड तक, इतनी लंबी लगाया, पूछो मत भाई, हालत खराब। अब आने वाला नंबर 15 मिनट में नंबर आ जाएगा, बहुत दिमाग खराब हो गया। चलो सीधा निकलते हैं, मैं सीधा आपको रास्ते कोई व्यू दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा आपको वृंदावन में मिलूंगा, लेट्स गो। तो फाइनली जैसे अभी गाड़ी उतरने के बाद मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और लेट हो गए थे घंटा के आसपास, इस तरह है। बाकी यहाँ पे अब पहले दुकानें थी, अब दुकानें हो गई हैं, उस टाइम नहीं थी, अब दुकानें बन गई हैं एक दो साल में, पहले दुकानें नहीं थी यहाँ पे। अब भीड़ तो है हल्की, हाँ मुझे पता है से मतलब मुश्किल से, अभी नहीं हाँ नंबर नहीं पता, मुझे पार्किंग रास्ता पता है, मुझे भीड़ है यार। जस्ट अभी मंदिर से बाहर आ गए, तो हमें टीका लगाया था राधे का, बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर, उसने कैमरा ऑन करने के लिए मना कर दिया था, तो बड़ा सारा फुटेज देख ली होगी वाली, हाथ तक आ जाता मेरा कैमरा ऑन कर दिया। बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगला संडे भी है तो ऑब्वियसली भीड़ तो होगी। तो अब जा रहे हैं हम निधिवन की तरफ, जहाँ तुलसीवन बोलते हैं, अब पूरे पेड़ तुलसी के पेड़ है वहाँ पे, तो वही जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो हम रस्ते में बाहर से रिक्शा करेंगे, पैदल जाएंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इतनी रिक्शा ही करेंगे, बहुत दूर भी है वो। तो अभी मंदिर से आया था, तो ये देखिए लड्डू गोपाल की, बहुत अच्छी लग रही है,
ये छोटी वाली भी बहुत अच्छी लग रही है, ज्यादा क्यूट लग रहा है मुझे, पूरा गोल्डन गोल्डन कर रखा है, और जो ये कपड़े बना रखे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वो तो पिंक बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी यहाँ पे कपड़े चाहिए, कपड़े वपड़े मिल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ कपड़ों की बहुत ज्यादा शॉप है, यहाँ कपड़ों की कम नहीं बहुत ज्यादा शॉप है, तो आपको जब आप चढ़ोगे तो फिर कपड़े कपड़े मतलब बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। चले बस जस्ट अभी एक शहर बैठे हैं और जा रही थी उनकी तरफ, मैं सब में टीका का लगा लिया है। वृंदावन दोनों के बाद लड्डू गोपाल एरिया में हमें घुमा रहे, एक मंदिर है वहाँ पे, सवारी आ रही है। पानी कम हो गई हमने जी पे अभी, पानी कितना कम हो गया, 40 वोटिंग वोटिंग होती है अभी, क्या वैसे वोटिंग वोटिंग के सौ 200 ऐसे करके, पहले जब बहुत ज्यादा पानी कम हो गया है, तीन चार साल से खत्म ही हो गया पानी, अब तो बिल्कुल है नहीं, सावन से बारिश वारिश होगी यार, जी पानी भी कम हो गया यार, तो पहले पानी भरता था, बोटिंग वोटिंग होती थी, तो यार सावन किस में होता है। अभी हम जा रहे हैं हम निधिवन की तरफ, सामने यमुना जी देख रहे हो, पहले बहुत ज्यादा पानी कम हो गया, पहले पानी था जिन पर भरा पानी सब कम हो गया है। गाइस ये है कदम का पेड़ जहाँ पे कृष्ण जी राधा जी को छेड़ते थे किनारे से, सॉरी यमुना किनारे बैठते थे, तो ये पेड़ है वो, इसका भी पेड़ बहुत ताकतवर है, जिंदा है इतने लंबे समय तक, वर्ष पैसों का डर ना, अरे तो पैसे निकाल, अरे पैसे पैसे मोबाइल सब निकाल लेते हैं, पता है जिंदगी में नहीं तो पता है कैसे दीदी है ना, तो ये है वृंदावन की गलियां, ये है कदम का पेड़ जहाँ पे कृष्ण जी राधा जी को छेड़ते थे, ये जब वो नहाती थी तो वो आते कपड़े चढ़ा लेते थे, ये पेड़ है वो सामने वाला, और आज जो कितना खिल रखा है, फल फुलाया है, बिल्कुल ताकत है, आप समझ सकते हो इतना, क्या बोलते हैं, करिश्मा है उनके पास और शक्तियाँ हैं जो भी ये यहाँ पे है, और पूरे वृंदावन में शक्ति है, यहाँ पे आने का ऐसा लगता है कि जो थकान होती है सब मिट जाती है। और मैं आपको एक चीज़ खास से बताता हूँ यहाँ की, जो बहुत कम लोग जानते होंगे, यहाँ कभी यहाँ कोई भी जितने भी लोग यहाँ पे जो काम करते हैं कभी भूखे नहीं सोते, चाहे एक भीख मांगने वाला आदमी हो या कोई भी हो जो काम कर रहे हो, कभी भूखा नहीं सोएगा पूरे दिन तक, यहाँ पे ये है, आप किसी भी लोग पूरे दिन खाना खा के ही सोएगा, ये भी करिश्मा है सबके, ये भी आपकी प्यारी गलियाँ वृंदावन की, बहुत पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे, जो अभी कच्चे अच्छे रह गए, कुछ लोगों ने घर खाली कर दिए हैं, कुछ अभी भी हैं मजबूत हैं, तो कच्चे हैं खाली हो गए, बाकी ये गलियाँ वृंदावन की। तो ये आ गए हम निधिवन, यहाँ पे आपको तुलसी के पेड़ बहुत मिलेंगे, आप कुछ कहते हैं, कुछ 53,000 जो तुलसियाँ हैं जो राधा की सहेलियाँ होती थी, पर कंफर्म नहीं है ना मम्मी, ये कितनी तुलसियाँ, 51,000 कितनी तुलसियाँ, क्या कहते हैं, कितनी दासियाँ थी या उनकी सहेलियाँ थी राधा की, गोपियाँ थी ना कृष्ण जी की, और यहाँ पे कुआ भी वो दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत फेमस है निधिवन कर दे, ये वही जगह है जहाँ पे गौरव जोन की वीडियो फेमस हुई थी, रात को वो कूद के आया था क्योंकि पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, ये वही जगह है। बाकी कहते हैं यहाँ पे रात को नहीं आते, यहाँ पे जो गेट में ताले लग जाते हैं, और जो भी कुछ यहाँ पे जो रासीला होती है वो देखते हैं, तो उसकी जो अंधा वगैरह सब हो जाता है, वो अब बहुत ही उनकी साफ समाधि भी यहाँ पे, मैं फोटो खिंचा रहे, मैं तुम फोटो खिंचाओ आराम से, मैं चलता हूँ आगे।
ब्लॉगिंग चालू होती रहेगी। एक हुआ है मेरे पास प्यारे प्यारे दो बंदर। हेलो, ये मेरा एक अंशुल है और एक हिमांशु भारद्वाज। एक कैमरा खींचने बताना चाह रहा हूँ। ये है कुआ, इसकी कुछ कहानी है वो भी पता नहीं है। जमुना ने चरण स्पर्श किया तभी रास्ता दिया अपने निवास देव जी का हिम्मत नहीं था अपने बल पे जमुना को पार कर दिया। कन्हैया की प्रथम पटरानी जमुना, जमुना कौन है? सूर्य का पुत्री यमराज शनिदेव का बहन, नाम है जमुना। कृष्ण का प्रथम पटरानी तो तो सुन लिया होगा आपने। बाकी पहले पानी, थोड़ा पानी रहता था यहाँ पे 3-4 साल पहले जब मैं आया था, पानी अब सूख गया है यहाँ पे। यहाँ पे एक ये आ गया, राधा जी का जहाँ श्रृंगार होता था, राधा जी का जहाँ पे श्रृंगार होता था, जहाँ वो कपड़े पहनते थे, जहाँ पे मम्मी आज लड्डू बोल रहा हूँ हाथ मार दिया लड्डू बोल बस हम जा रहे अंदर की तरफ। और ये था जो जहाँ पे मैं बताने वाला था, राधा जी का श्रृंगार होता था, जहाँ पे कपड़े पहनती थी, जहाँ पे वो मेकअप वेकअप करती थी, ये वो जगह है। और यहाँ पे रात को आना मना है, जो भी आता है बहुत कहते हैं कि हाथ अंधे हो जाते हैं, पैर हो जाते हैं, तो ही देखते हैं। अभी भीड़ है यहाँ पे इस समय अभी। सुनो, कमाई का जरिया ना देना यहाँ पे, कमाई का जरिया ना देना यहाँ पे। अरे एक से एक दो तब टीका मिलेगा, पता है इतने गंदे हो गए ना कदम से लोग यहाँ पे, मतलब यार हद है यार। एक से एक दो में तभी आपको टीका मिलेगा, तभी आपको मिलेगी। क्या खींचे फोटो बना ली, मतलब यार एक सोचने वाली बात है कि आप एक से एक दो में तभी आपको टीका मिलेगा, तभी आपको चूड़ी मिलेगी, तभी आपको कुछ मिलेगा। तो ये कुछ तुलसी के पेड़ निकले हुए हैं बीच में से, अच्छे लग रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। लड्डू गोई बैठा रही है भाभी, तो लड्डू गोपाल का फोटो शूट चलते हुए। चलो चलो देखते हैं, बाहर निकलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। एक 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 जगह और है जहाँ पे रासिला होती है, वहाँ आगे पॉइंट है, दिखाता हूँ आपको। पूरा वाइट वाइट है, मैं आपको मतलब पहले जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आ चुका हूँ पहले यहाँ पे, तो मैंने पहले कभी ब्लॉगिंग करी नहीं थी, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो तब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मैं पहले आ चुका हूँ, कई बार आ चुका हूँ मैं। ये वो जगह जहाँ पे रासिला होती है, ये भाई साहब फोन पकड़ेगा मेरा और कुछ नहीं, तो जगह जहाँ पे रासिला होती है। अच्छा बना रखा है ये, यहाँ बैठ कर रास्ता देखते थे। अच्छा, यही जगह है जो सबसे ज्यादा रास्ता होती है, और कहते हैं यहाँ पे कि जो रास्ता देख लेता है तो वो अंधा काना भैरा हो जाता है, जिसे रात को मना करते हैं यहाँ पे आने के लिए। बस हो गया, हाजी लग गई, हमने तो हाजी डोलो गिरा देता था, मम्मी ने कुछ बोला था, गुस्सा हो गया, मना रहे हैं, गुस्सा नहीं होना, राधे राधे। चलो थोड़ा उदास सा हो गया, एंजॉय नहीं कर पा रहा। यार बाहर आ गए थे वहां से, अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, तो गाड़ी में जाके बैठेंगे, क्या जाएंगे फिर नाश्ता करने के लिए, लंच हमने कुछ खाया नहीं, फिर खाली पेट है। हम सोच रहे थे कि दर्शन के बाद ही हम लंच करेंगे, कितने बाहर ही खाएंगे हम, एक कुलचे वाले हैं बाहर, वही खाएंगे हम, वही तो चल रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये लड्डू गोपाल के बाल वाल हैं, बाकी फैन वैन है, दे रहे हैं ये माला, इन डब्बों में है मुकुट वुकुट, बाकी कपड़े पड़े हैं, ये वो है बिस्तर है उसका, ये मुकुट है।
ये मैं बताने वाला था, अब मैं क्लोज आया थोड़ा इसके, ये वही पेड़ है इसमें जब राधा जी नहाती थी यहाँ पे, मतलब हमने यमुना यहाँ तक थी, और जब राधा जी नहाती थी तो अपने जो अपने कृष्ण जी हैं वो उनके कपड़े चुरा लेते थे, वही है ये वही पेड़ है ये जो ऊपर बैठा करते थे वो कृष्ण जी। फोटो के सामने मूर्ति रखी वहाँ पे, वही जहाँ पे वही जगह यमुना, पहले यमुना यहाँ तक थी, अब धीरे धीरे कमानी कम होता गया, पीछे गई पीछे गई पीछे गई पीछे गई, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 50 मीटर ही बस यमुना का पानी। अभी जस्ट गाड़ी में आए हैं, छाव में लगाई गाड़ी, धूप से वहाँ पे खड़ी थी, यहाँ लगाई है और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ओवरऑल मज़ा आ गया। और आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, ठीक है नॉर्मल था, यहाँ पे भीड़ मिलती है जब छुट्टी होती है ना, बहुत भीड़ मिलती है यहाँ पे, इधर मिली नहीं भीड़। अभी जस्ट मम्मी ने इसका मेकअप करवाया है, बालों में रंग करवा, क्या करवाया मम्मी आपने? बालों में रंग करवाया और आगे मेकअप कराया, पूरा मेकअप करवाया इसका। और यहाँ पे सामने है, ये सामने गेट है, इस गेट से बाहर निकलते हैं, यहीं पे सब लड़कों का मेकअप वेकअप होता है। यहाँ पे मेकअप वेकअप होता है, काजल बाल सब कुछ लगाते हैं यहाँ पे, सब कुछ हो गया है यहाँ पे। और सामने इधर ही गेट है, और इसके सामने जस्ट इधर नाम भूल गया, आपकी शॉप का नाम क्या है? शॉप का नाम है विंदा ब्यूटी पार्लर है, जस्ट सामने ये जब गेट ना घुसोगे उसमें बाहर निकलते हैं, सामने इधर ही है, लेफ्ट साइड राइट साइड में। बस जस्ट अभी हम पहुंचे हैं यमुना एक्सप्रेसवे में, सॉरी यमुना एक्सप्रेसवे खत्म हो गया है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, और रुके हैं सिकंजी पीने के लिए। ठीक है यार, टाइम क्या रहा मम्मी? 2:15 हो रहे हैं ना, सुबह कितने चलते हम? 5 भी करीब चले थे, है ना? ठीक है, फिर हम थोड़ा रुक के आए, थोड़े घूमे फिरे, पूरा स्टैंड लिया हमने, और पीछे बैठी मम्मी और आंटी, फुल चश्मा पहन के स्टाइल में, थोड़ी रिलैक्स, ऐसे हम ड्राइवर हैं, हम ड्राइवर ये बॉडी गार्ड, बाकी तो सवारी। तो फाइनली आ गए अपन लोग घर, गाड़ी लगा दी है अपनी, और भाई बहुत गर्मी के अंदर इसलिए बाहर निकले ना, इतनी गर्मी पूछो मत। तो इस ब्लॉग को खत्म करते हैं, आई होप आपको अगली वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तब तक के लिए आप मुझे अलविदा कीजिए। अब जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंदुस्तान, बाय, लव यू। मैं पहाड़ से, क्योंकि मेरे खून में पहाड़ी है, रास्ता देखो स्वर्ग यहाँ।